वाह भाई वाह। मजा आ गया। इतनी खुश हूं आज मैं, इतनी खुश मैं जिंदगी में कभी नहीं हुई। पिज्जा ऑर्डर करें, मेरा दिल कर रहा है, पार्टी करते हैं। मंगवाती हूँ मंगवाती हूँ। आज खाला ने वैसे जो इलाज किया है ना सिद्रा का, मैं तो दिल ही खुश हो गया। और सिद्रा ने जो इज्जत अफसाई की है खाला की, का तो अलग ही मजा था। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड कर लूं। अरे नहीं खबरदार, ऐसी हरकत मत करना। देखा नहीं एनी खुद ब खुद किस तरह लेट डाउन हुई है। बहुत मजा आया उसे उसके इरादे में नाकाम होते देखकर। बड़ी आई रिश्ते करवाने वाली। हाँ लेकिन अम्मी, एनी अभी भी एक कांटे की तरह मेरे रास्ते में मौजूद है, उसका क्या करूं मैं? अरे ये कांटा भी तुम्हारे रास्ते से खुद ब खुद हट जाएगा, देख लेना। अफान की दुल्हन तुम ही बनोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे अम्मी मैं एक बात सोच रही थी कि खाला ने एनी को लगने वाले थप्पड़ का बदला क्यों लिया? आप सोचे ना, अगर वो सिद्रा के साथ ये सब कर सकती हैं, तो शादी के बाद वो मेरे साथ क्या क्या करेंगी? मैं ऐसा नहीं होने दूँ, परेशान मत। वैसे मुझे लगता है कि बाजी ने सिद्रा को हटाने के लिए जानबूझ के ये सब किया, और अपना कद ऊंचा रखने के लिए सारा मलबा एनी पर डाल दिया। बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं इन चालों। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, वरना मुझे खाला से डर ही लगता है।